हेलो एवरीवन गाइस, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था थोड़ा प्रेशर लग रहा है। एंड इन्फोसिस जो हमारा बेल वेदर है टीसीएस के साथ लार्ज कैप आईटी में, उसमें 1663 लेवल्स टुडे आर ब्रोकन, उसके नीचे क्लोजिंग आती है, देन आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि इन्फोसिस में और 1-2% या शायद 3% की भी गिरावट आ सकती है। मूविंग एवरेजेस इम्पॉर्टेंट है, सो यू कैन हैव अ लुक एट द 50-day, 200-day मूविंग एवरेजेस। फिलहाल 1663 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, एंड अगर वो नहीं तोड़ता 1663 पे सपोर्ट लेता है इन्फी, देन इट कैन अगेन गो बैक टू 1700 लेवल्स। बट अभी इतना चल चुका है कि फ्रॉम दिस लेवल लुकिंग एट नैसडैक एंड लुकिंग एट द इशूज हैपनिंग इन द US IT सेक्टर, ले ऑफ्स की बातें हो रही है, बहुत लोग जॉब से निकाले जा रहे हैं, वो सब के माहौल में अब इस वक्त एक करेक्शन आना, हेल्दी करेक्शन क्या होता है कि 5-10% अगर इन्फोसिस गिर जाए और वहाँ सपोर्ट ले ले तो वो एक हेल्दी ही माना जाएगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी बैड, बट इट कुड बी ब्रूटल इफ़, बिकॉज इन्फोसिस हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग 10-10%, 12-12%, फॉर वॉट एवर एक्सटर्नल रीज़न वो गिर चुका है, गिर सकता है, और लार्ज कैप होने के बावजूद गिर सकता है। अगर इन्फोसिस गिरा तो निफ्टी में वैसे ही HDFC बैंक गिर गिर के प्रेशर डाल रहा है इन्फोसिस, रिलायंस अकेला फिर खड़ा हो जाएगा निफ्टी संभालने के लिए, जो पहले भी बहुत बार हो चुका है। बट लार्ज कैप IT आई वुडेंट वॉन्ट टू ट्रेड ऑन द अपर साइड। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पजेज, नॉट अ रिकमेंडेशन। वट एवर यू वॉन्ट टू बाय और सेल, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। एंड TV पे जर्नलिस्ट की बातें तो बिल्कुल नहीं सुनी है। See you around, guys.